हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ रियल या फिर फेक केक। तो ये मैंने बनाया है स्क्रॉच ब्राइट, जो लग रहा है सचमुच में बर्तन माँजने वाला ही। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर इसका बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो केक रेडी किया है ये है प्रीमिक्स से, और अगर आपको प्रीमिक्स से केक बनाना नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं कि प्रीमिक्स से कैसे केक बनाना है। ये मैंने हाफ के जी का बैटर प्रिपेयर किया है। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, एक पार्ट हमें ज़्यादा रखना है और एक पार्ट हमें कम रखना है, क्योंकि आज जो हम केक बनाने वाले हैं उसका जो नीचे का येलो वाला पार्ट है वो हमें थोड़ा सा मोटा चाहिए और ग्रीन वाला पतला, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और अब मैं इसमें एसेंस मिलाऊंगी। एसेंस आप कोई भी मिला सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ऊपर जो ग्रीन रहेगा उसके लिए मैंने लिया है पिस्ता एसेंस। और ये कलर के साथ मिक्स आता है, पर ये देखिए इसमें जब मिक्स करते हैं तो इसका जो कलर है वो लाइट हो जाता है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा अलग से ग्रीन कलर ऐड करूंगी। इसमें आप लिक्विड या फिर जेल कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ग्रीन कलर रेडी है। और जो दूसरा बैटर रखा है हाफ, उसमें मैं मिलाने वाली हूँ पाइनएप्पल एसेंस। और इसके साथ ही थोड़ा सा येलो कलर, मैं दूसरा मिक्स कर। तो ये हमारे दोनों बैटर रेडी हो गए हैं। इसको मैं अलग अलग टिन में डालूंगी बेक होने के लिए। अच्छे से पूरा इसको मिक्स कर ले कि कलर बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं भी लाइट या डार्क ना रहे। यहाँ मैंने दो रेक्टेंगल टिन लिए हैं, एक में मैं ये पिस्ता वाला बैटर डालने वाली हूँ ये मेरे केक का टिन जो है वो 8 इंच का है, बड़ा है और उतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, पर मेरे पास छोटा टिन नहीं था तो इसलिए मैं इसी को इस तरीके से पतला फैला लूँगी। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों टिन और दोनों कलर रेडी हैं। इनको मैं बेक होने के लिए रखूँगी प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे। ये कम है क्वांटिटी में तो ये 20 मिनट में भी बेक हो जाएगा, पर आप अपने ओवन के साइज़ के अकॉर्डिंग अपना टाइम देख लें ओवन का कि 20 मिनट, 15 मिनट या 25 मिनट कितना टाइम ले रहा है, 15 मिनट के बाद चेक कर लें। और दूसरा, ऊपर का जो हीटिंग रॉड है उसको मैं ऑफ करूंगी, मैं नहीं चाहती कि इसके ऊपर क्रैक आए, ये फ्लैट ही बेक हो, इसलिए मैंने सिर्फ नीचे का जो हीटिंग रॉड है उसको ऑन किया है। मैं आपको इसको बेक होने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा केक बेक होके रेडी है, इसको मैं अनमोल्ड कर। तो ये देखिए हमारा केक अच्छा बेक होके रेडी है, और इसको पहले हम करेंगे थोड़ा सा सोकिंग शुगर सिरप से। इसको हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है ताकि इसको जब हम कट करें या उठाएं तो ये टूट जाए,
यहाँ मैंने बनाया है पिस्तैशियो गनाश वाइट चॉकलेट से। आप इसके बदले यहाँ पे जो नटेला चॉकलेट होती है वो स्प्रेड लगा सकते हैं, डार्क गनाश लगा सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो आप यहाँ पे जैम भी स्प्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर अब मैं रखूंगी हमारा ग्रीन वाला लेयर। इसको मैं पहले थोड़ा सा इधर से कट कर देती हूँ। तो ये पीस मैं उठा के ग्रीन वाला रखने वाली हूँ इस पे, और इसको इस तरीके से हल्का सा दबा दें ताकि जो ऊपर की लेयर है वो नीचे वाले में चिपक जाए। और अब हम इसको करेंगे साइड से इक्वल। तो ये देखिए लगना शुरू हो गया ना हमारा ये स्क्रॉच ब्राइट। इसको हर तरफ से काट के इस तरीके से ही बराबर कर लेंगे। इसको अब मैं कट करूंगी चार पीस में। और ये देखिए हमारा एक पीस ये बन के रेडी है स्क्रॉच ब्राइट का। अब एक मेन और इसमें हमें चेंज करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या। तो यहाँ पे मैंने कप में लिया है थोड़ा सा दूध, इसको हम फेंट देंगे पहले। इसको हमें तब तक फेंटना है कि ऊपर हल्का हल्का झाग आ जाए, जो हम वो झाग यूज़ कर सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूध के ऊपर ये इस तरीके का ये झाग आ जाता है, इस झाग को हम यूज़ करेंगे हमारे स्क्रॉच ब्राइट पे। अगर आपको ये झाग थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आप, अगर आपके पास ये ब्लेंडर ना हो तो दो ग्लास में भी आप इस तरीके से उसको उलट पुलट के झाग बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा स्क्रॉच ब्राइट साबुन के झाग के साथ बनके तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और किसी ना किसी केक पर ज़रूर लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।